सिविल सर्विस में जो है कौन सा जो है विभाग लेना पसंद करेंगी आप? वो सबसे ऊपर IAS। अपने देश में किन चीज़ों पर काम करना चाहेंगी IAS बनने के बाद? फर्स्टली एजुकेशन, एजुकेशन ही नींव है जो सब कुछ सही कर सकता है। एजुकेशन पर ही काम करना चाहेंगी। मीडियाकर्मी भी बहुत सारे आ रहे थे, परेशान कर रहे थे आपको एक तरह से ना? जी हाँ, 3 दिन तक लगातार। नमस्कार दोस्तों, राज रावत नाम है मेरा और आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ इंडिया। इस वक्त यूपी टापर के घर पर आया हूं और ये जान लीजिए दर्शकों, ये फूलपुर झझरी में पड़ता है प्रयागराज के, और इन्होंने जो है 94% अंक हासिल किया है, इनका 470 नंबर है, ये जान लीजिए दर्शकों। किसान की बेटी हैं, ये जान लीजिए किसान की बेटी हैं, तो आपको इनकी सफलता की कहानी यूपी बोर्ड में जाननी चाहिए और इसी वजह से हम इनके पास बात करने के लिए आए हैं। और इनका नाम है दर्शकों जो है आंचल यादव। आंचल यादव, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारे चैनल के तरफ से और ख़ास तौर से हमारे तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा ये बताइए, जब आप टॉप की, जब आपका रिजल्ट निकलने वाला था तो उस वक्त क्या फील कर रही थी, किस किस तरह से महसूस कर रही थी आप? वो तो सबको ऐसा ही फील होता है, थोड़ा बेचैनी होती है, हड़बड़ी होती है, बस वही मेरे साथ भी हुआ, नॉर्मल था, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। अच्छा, जब निकला उसके बाद घर में किस तरह की खुशी रही? हाँ, उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा आया था इसलिए तो खुशी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, क्या कहते, उम्मीद से ज़्यादा आ गया, जितना सोची नहीं थी उससे ज़्यादा नंबर आ गया, इस वजह से पूरे परिवार में गांव में खुशी का माहौल बन गया, ये जान लीजिए दर्शकों। और गांव वाले उस वक्त किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे जब ये पता चला कि उनकी बेटी, आपके पिताजी का क्या नाम है? संजय यादव। तो जब आपके पिताजी की, मतलब संजय यादव की बेटी जो है टॉप कर गई, तो किस तरह का माहौल था गांव में उस वक्त? फर्स्टली तो जब मैं ये शुरू, जब पता चला तो फिर वहाँ स्कूल चले गए थे, फिर उसके बाद जब घर पता आए तो फिर हाँ, खुशी का माहौल था चारों तरफ। और उस वक्त क्या कहते, मीडियाकर्मी भी बहुत सारे आ रहे थे, परेशान कर रहे थे आपको एक तरह से ना? जी हाँ, 3 दिन तक लगातार। ये जान लीजिए दर्शकों, मीडियाकर्मी जब आते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, इस वजह से जो इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यू देने वाला होता है, वो परेशान भी हो जाता है। और क्योंकि आप तो जानते ही हैं, अपने यहाँ मीडिया ज़्यादा ज़्यादा स्तर पर मीडिया वाले हो गए हैं, तो जितने लोग आ रहे हैं सब लोग बाइट ले रहे हैं, उस वक्त इनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना पड़ रहा था क्योंकि दूसरे का वीडियो तो कोई अपने चैनल पर चलाएगा नहीं, इस तरह से होता है। अच्छा ये बताइए, आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर पर हैं, ठीक है, 12th टॉपर हैं यूपी में, चौथे नंबर पर हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय, सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहेंगी, कौन है सफलता के पीछे आपका? फर्स्टली मैं टीचर्स को, फिर उसके बाद पेरेंट्स, फिर उसके बाद फ्रेंड्स लोग। और टीचर्स में सबसे ज़्यादा कौन से टीचर को आप है, मतलब इसमें क्रेडिट देना चाहेंगी? टीचर की बात करें तो मैं सबसे ज़्यादा अपने फिजिक्स टीचर मिस्टर रत्नेश यादव, और फिर केमिस्ट्री के टीचर मिस्टर शिव बालक यादव। अच्छा, और आप क्या कहते हैं, बायो से थी या मैथ से? बायोलॉजी। बायोलॉजी से थी। आने वाले टाइम में क्या करना चाहती हैं, क्या आगे क्या कदम होगा आपका, क्या करना, मतलब ग्रेजुएशन में क्या करेंगी आप? बीए सिविल सर्विस है। बीए सिविल सर्विस। सिविल सर्विस में जो है कौन सा जो है विभाग लेना पसंद करेंगी आप? वो सबसे ऊपर IAS। अच्छा, IAS लेना चाहेंगी, IAS बनना चाहेंगी, तो अच्छा IAS आप बन जाएंगी, ठीक है आंचल जी, तो आप अपने देश में किन चीज़ों पर काम करना चाहेंगी IAS बनने के बाद? फर्स्टली एजुकेशन, एजुकेशन ही नींव है जो सब कुछ सही कर सकता है। एजुकेशन पर ही काम करना चाहेंगी। हाँ IAS, ये जान लीजिए दर्शकों, IAS जो बनते हैं वो DM भी बनते हैं और क्या कहते हैं, एजुकेशन ऑफिसर भी बनते हैं, ठीक है, तो और जो DM होता है उसके अंडर में जो है एजुकेशन का भी विभाग होता है, स्कूल वाले विभाग भी होते हैं, क्योंकि DM ही आदेश सब कुछ देता है। अच्छा, जिस तरह से अभी चल रहा है सिस्टम, क्या एजुकेशन सिस्टम अभी ठीक नहीं है? है, लेकिन गांव में अगर गवर्नमेंट स्कूल देख लिया जाए तो उतना नहीं है, जितना सरकार कर रही है उतना नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से सरकार दावे करती है उस तरह से भी नहीं हो पा रहा है, उस तरह से नहीं है। आप देखना चाहे तो मेरे प्राथमिक स्कूल को देख सकते हैं, उतना नहीं हो पा रहा है। प्राथमिक विद्यालय तो अच्छा होता तो वहाँ बच्चों की भरमार होती, नहीं है।
तो आगे जो है ग्रेजुएशन आप किस कॉलेज से करना चाहती हैं? यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल कर दिया गया है, अभी कोई डेट नहीं आई उसकी। अभी फॉर्म फिल कर दिया गया है, अभी डेट नहीं। कहाँ से फॉर्म भरी हैं आप? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप जो है बीए करेंगी ना? जी। अच्छा, क्या कहते हैं आपके परिवार में पिताजी लोग क्या करते हैं? फार्मर हैं। फार्मर हैं, जैसे हम सुने फार्मर हैं तो फार्मर ही हैं। ये जान लीजिए दर्शकों, किसान की बेटी हैं तो आप जान सकते हैं और आप सुन ही रहे हैं उनका जो है कदम है सिविल सर्विस में जाना। और जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम अपने उत्तर प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम का हाल एकदम बेहाल है। अच्छा, आप जो टॉप की हैं, कौन सा स्कूल का नाम क्या है आप? बच्चा राम यादव इंटरमीडिएट कॉलेज भुलाईकापुरा। बच्चा राम यादव इंटरमीडिएट कॉलेज भुलाईकापुरा। भुलाईकापुरा। तो ये जान लीजिए दर्शकों, ये प्राइवेट स्कूल है। हाँ, प्राइवेट ही स्कूल है। प्राइवेट स्कूल है और ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ी है, इस वजह से क्या कहते हैं, सरकारी से क्यों नहीं पढ़ी आप? आचल, ऐसा कोई रीजन नहीं है, बस लिखवा गया वहाँ पे और ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी। कहीं ना कहीं आपको लगता था कि जो जो चीज़ें हमको प्राइवेट में मिल जाएंगी वो सरकारी में नहीं मिलेंगी, इसीलिए सर प्राइवेट में गई? ऐसा है ही, आप कहीं भी देख सकते हैं, अभी कोई बड़े नेता को भी देख सकते हैं, वो गवर्नमेंट में नहीं पढ़ाते हैं अपने बच्चों के। टॉप तक गवर्नमेंट में बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ तक छोड़ दीजिए, देश में भी नहीं पढ़ाते हैं, विदेश में पढ़ाते हैं, फिर सोच लीजिए। ये बात हकीकत है दर्शकों, क्योंकि जो नेताओं के और जो बड़े बड़े ऑफिसर के जो अधिकारियों के बच्चे होते हैं वो विदेश जाते हैं, भारत की सरकारी स्कूलों में पढ़ते नहीं हैं, वो भारत की सरकारी स्कूलों में तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन भारत की जो टॉप क्लास की जो प्राइवेट स्कूल होगी, जो टॉप क्लास की प्राइवेट स्कूल होंगी वहाँ पर वो पढ़ेंगे। ये आप जान लीजिए किस तरह का सिस्टम है, समझ रहे हैं? यही तरह का सिस्टम, इस तरह का है कि जो है जो नेता हैं खुद तो खुद अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएंगे, करेंगे सरकारी नौकरी, प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाएंगे और ख्वाब बच्चों को दिखाएंगे कि आपको सरकारी ही नौकरी लेना है। तो आप जिस तरह से क्या कहते हैं, अगर बन जाएंगी, ठीक है, आईएएस बन जाएंगी, तो आप क्या कहते हैं फ्यूचर में, भविष्य में अपने बच्चों को किस तरह से कहाँ पढ़ाने का वो सोचेंगी? जी अभी इसका बिल्कुल कुछ सोचा नहीं है कि बच्चे प्राइवेट में पढ़ाएंगी या सरकारी में, किस तरह प्रिफर? कुछ नहीं कर सकते, मैंने कभी कुछ नहीं सोचा इसके बारे में, भी नहीं सोचा है, क्योंकि अगर यही हाल रहा मान, क्योंकि एक अधिकारी कितना संभाल सकता है, ज़्यादा तो संभाल नहीं सकता। बिल्कुल भी नहीं, एक से कुछ नहीं होता। अच्छा ये बताइए कि कहते हैं अपने आपके यहाँ पर जिस तरह से आप टॉप की हैं और आपके क्षेत्र की एक और लड़की है अंशिका यादव टॉप की हैं, वो सेकंड नंबर पर है, आप फोर्थ नंबर पर हैं, ठीक है। तो अंशिका यादव जो है, अंशिका यादव का किस तरह से मतलब किस तरह का बिहेवियर रहा करता था आपके साथ, आपकी फ्रेंडशिप वगैरह थी वहाँ पर? पॉजिटिव बिहेवियर था, फ्रेंडशिप था, पॉजिटिव था। परिवार में आपको आपके कितने लोग हैं? जॉइंट फैमिली है, 10-15 लोग होंगे। 10-15 लोग हैं, मतलब परिवार में सिर्फ जो है किसानी ही करते हैं, कोई सरकारी नौकरी वगैरह नहीं? गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं है ना? नहीं। ये जान लीजिए दर्शकों, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जो है खेती बाड़ी का काम है, किसानी का काम है, वही सब पिताजी लोग करते हैं। पिताजी भी हैं, इनसे भी पूछते हैं क्या कहना है इनका, बगल में बैठे हैं, इधर दिखाइए, इधर से लीजिए। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? संजय कुमार। आपकी बेटी जो है आंचल यादव टॉप की हैं, देश भर में इनका नाम हो रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में नाम हो रहा है, रोल मॉडल की तौर पर ये लोग देखी जा रही हैं, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के बारे में आप? अच्छा है, सरकाहत है। किस तरह से महसूस कर रहे हैं बेटी टॉप की है तो? अरे खुशी महसूस हो रही, खुशी महसूस हो रही है सर। आगे आने वाले टाइम में जिस तरह से वो कह रही हैं हमको आईएएस बनना है, आपका क्या कदम होगा उसमें? हम सहयोग करेंगे सर, जो सहयोग होगा सहयोग करेंगे, पूरी तरह से सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे, ये जान लीजिए दर्शकों, पूरी तरह से कह रहे हैं सहयोग करने का। और एक ये जान लीजिए आप, अपने देश में ज़्यादातर आईएएस पीसीएस जो बनते हैं, ज़्यादातर किसान के बच्चे रहेंगे या तो फिर सरकारी लोगों के जो है बच्चे बहुत ही कम बनते हैं आईएएस पीसीएस, ज़्यादातर लोकल मतलब प्राइवेट काम करने वालों के ही बच्चे आईएएस पीसीएस वगैरह में जाते हैं। ख्वाब तो बहुत लेकर जाते हैं कि ये सिस्टम सुधारना है, वो सिस्टम सुधारना है,
लेकिन जब आ जाते हैं दर्शकों तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, वो दबाने की भी प्रयास करते हैं। बड़े बड़े मंत्री, जो विधायक, सांसद दबाने का प्रयास करते हैं, करते तो होंगे ही। किस तरह से सोच रही है, किस तरह से निपटेंगी? क्योंकि आजकल सारे अधिकारी सोचते हैं कि हम सिस्टम को सुधारें, हाँ। लेकिन नहीं कर पाते। आप कैसे लड़ेंगी उनसे? जी अभी उतना कुछ नहीं है, अभी उतना कुछ नहीं सोची है। क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए भारत में तो न जाने, अगर उसको समझने के लिए फर्स्ट सिस्टम में घुसना पड़ेगा, पहले सिस्टम में घुसना पड़ेगा। और आप ईमानदारी से काम करेंगी पूरी तरह? इसका तो 100% श्योर है। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें हाँ। बोलते हैं, जब IAS PCS बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, तो उनका एम होता है सिर्फ, जो है आप समझ सकती हैं क्या एम होता है। तो क्या आप ऐसा नहीं करेंगी? नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं सोचा है, बिल्कुल होगा भी नहीं। ये जान लीजिए दर्शकों, अभी तो ये टॉपर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये इनका सपना है IAS बनने का, हम उम्मीद करते हैं कि UPSC भी टॉप करेंगे। हमारे तरफ से, हमारे चैनल के तरफ से इनको बहुत सारी बधाई, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी आप इसी तरह से तरक्की करती रहेंगी। और ये जान लीजिए कि जब से आप टॉप की हैं, आप लोगों को रोल मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है, ठीक है? बहुत सारी लड़कियां जो 11वीं में हैं अभी, अब सोच रही हैं कि हमको मेहनत करना है और आंचल यादव के जैसा बनना है। जिस तरह से आंचल यादव आज नाम कर रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, हमको भी नाम करना है। तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको यही सलाह देंगे, फिर देखिए, कोई आंचल यादव कोई स्पेशल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं कर सकती हूँ वो सब कर सकते हैं, और बस एक पेशेंस होना चाहिए वो करने के लिए, डेडिकेशन होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। कितने घंटे पढ़ती थी आप? घंटे मैंने कभी काउंट नहीं किए, मैं सबसे बोल रही हूँ मैंने घंटे कभी काउंट नहीं किए। हो सकता देखा जाए तो 7-8 घंटे, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक हुआ वो घंटे थोड़ा और बढ़ने लगे, और बढ़ने लगे थे। डेडिकेशन भी उतना आगे थोड़ा होता चला गया कि कितना। पहला पेपर हुआ था आपका, तो घर पर आई थी, किस तरह से महसूस कर रही? बहुत अच्छा अच्छा गया था, हिंदी का पेपर था, फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा महसूस हुआ, पॉजिटिव महसूस कर रही थी। अच्छी होता है, जिस तरह से सिस्टम सरकार ने बदल दिया है, CCTV कैमरे लगा दिया है, कोई नकलबाजी नहीं कर सकता, तो उस पर क्या कहना चाहिए? वो सही है, बिल्कुल सही है, जैसा किया गया बहुत सही किया गया है। नहीं, पहले हुआ करता था कि जो फर्जी लोग टॉप कर जाते थे, समझ रही है? तो अब जो है CCTV कैमरा है, आप जो है लाइव भी चलता रहता है, तो आप इधर इधर नहीं कर सकते, सर भी नहीं ला सकते। तो सरकार ने ये ठीक किया ना? सही किया, बहुत सही किया है। अब सरकारें हैं, कुछ तो खराब करेंगे कुछ सही करेंगी, अब एकदम से प्योर तो उतरेंगी नहीं उस चीज पर ना। ये तो चीज है, किसी पर कमेंट ना किया जाए तो ज्यादा सही रहे। अच्छा, जब आप टॉप की तो आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और जो कहते हैं और टीचर्स हैं, किस तरह से उन लोगों के बीच में क्या मतलब रहा था? रिएक्शन तो अच्छा था, जैसा अच्छा खासा रिएक्शन था, जैसे घर पर आए थे? हाँ, घर पे आए गए, बधाई दिए थे जी। लेकिन फर्स्टली वही स्कूल में ही बुला लिया गया था हमें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जाती तो फिर वहाँ सही रहता। स्कूल में बुलाए थे, क्या बोल रहे थे, मीडिया के सामने कैसा जवाब देना है? नहीं, ये कभी नहीं कहा। नहीं, बताते हैं ना, टॉपर हैं आप स्कूल के बारे में। नहीं, ये कहीं कहा ही नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे मीडिया पहले से मौजूद थी जब मैं वहाँ पर गई। अच्छा, मीडिया पहले से मौजूद थी। नहीं नहीं, होता है ना दर्शकों कि स्कूल वाले जो है कभी कभी ना अपने स्टूडेंटों को बोल देते हैं कि मीडिया के सामने आपको ये चीज़ बोलना है, ये चीज़ें नहीं बोलना है। लेकिन आप सुन सकते हैं कि आंचल यादव जो है स्वतंत्र तरीके से अपनी सारी बातें रख रही हैं, सारी बातें, और ऐसा होना भी चाहिए, टॉपर से यही उम्मीद कर सकता है इंसान। और फिलहाल तो आप सुन ही लिए कि इनका क्या कहना है, बनना चाहती है IAS, एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहती है। फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा है आपका? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा हिंदी। हिंदी ही रहा है, मतलब हिंदी से ही आगे के कहते हैं सिविल सर्विस में भी जाना चाहते हैं? शायद ही था, हिंदी था वो, हिंदी साहित्य से ही। हम ये जान लीजिए दर्शकों, हम चाहेंगे कि हमारे देश की बेटियां इसी तरह से, और ख़ास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश की, इसी तरह से आगे बढ़ें और जिस तरह से सपना लेकर जाती हैं एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का, और भी जो विभाग है उनमें जो है बदलाव करने का, वो करें। और हमको, हमारे तरफ से इनको बहुत सारा बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी इसी तरह से ये जो है टॉप करती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।